वेलकम टू द रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे साउथ एशिया ममालिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार वगैरह, जहां पर सारा साल बारिशें होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बारिशें मानसून के मौसम में होती हैं, जिसको मानसून की बारिशें भी कहा जाता है। ये बारिशें जून से लेकर नवंबर तक होती हैं, यानी कि साल के सिर्फ 5 महीने। बाकी 7 महीने जो उनसे बारिशें होती हैं, उनको वेस्टर्न डिप्रेशन का नाम दिया गया है। वेस्टर्न डिप्रेशन का क्या मतलब है? क्या इसका ताल्लुक ग्लोबल वार्मिंग से है? आइए जानते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। मानसून की बारिशें इंडियन ओशन से आने वाली तेज हवाओं का सबब है, जो कि एक कुदरती अमल है, और ये कुदरती अमल जून से लेकर नवंबर तक साल के 5 महीने चलता है और कभी भी इसमें तब्दीली नहीं है, क्योंकि ये एक कुदरती अमल है। जब ये हवाएं इंडियन ओशन से साउथ एशिया ममालिक की तरफ बढ़ती हैं, तो ये हवाएं मानसून की बारिशों का सबब बनती हैं, और ये हवाएं जब ऊपर मौजूद कोहे हिमालया की पहाड़ों को टकराकर वापस आती हैं और दोबारा बारिशों की वजह बनती हैं, लेकिन फिर जब ये इंडियन ओशन में वापस चले जाती हैं, तो उसके बाद जोन से भी बारिशें साउथ एशिया ममालिक में होती हैं, वो वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से होती है, ना कि मानसून की बारिशों की। उन बारिशों का ताल्लुक किसी भी लिहाज से कुदरती अमल से नहीं है। अब बात करते हैं वेस्टर्न डिप्रेशन क्या है, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग है? असल में यूरोप और अफ्रीका के बड़े आजम के दरमियान कुछ समंदर वाकिया हैं, जिनका नाम है मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी और कैप्सियन सी। ये सारे समंदर साउथ एशिया से ऊपर वाकिया हैं, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होता है। इन समंदरों के एक हिस्से की तरफ अंटार्कटिका, यूरोप जैसे ठंडे इलाके मौजूद हैं, जबकि इसके दूसरी तरफ अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया और साउथ एशिया जैसे ममालिक जहाँ पे ज्यादातर गर्मी होती है, वो वाकया है। अब असल में होता कुछ ऐसा है कि इन समंदरों के ऊपर हर साल तूफान आते हैं, जिनको साइक्लोन्स का नाम दिया गया है। ये तूफान नॉर्थ पोल से आने वाली ठंडी हवाओं और साउथ एशिया से आने वाली गर्म हवाओं की वजह से वजूद में आते हैं। असल में जब आर्कटिक और अंटार्कटिक जैसे ठंडे इलाकों से ठंडी हवाएं ट्रेवल करती हैं और साउथ एशिया जैसे गर्म ममालिक से हवा ऊपर की तरफ मूव करती है, तो इन दोनों हवाओं का टकराव कैप्सियन सी, मेडिटेरियन सी वगैरह के इलाकों में होता है, जो वजह बनते हैं वहाँ पे आने वाले तूफान के। जब ये हवाएं आपस में टकराती हैं, तो वहाँ पे तूफान आते हैं और वो तूफान आहिस्ता आहिस्ता इन समुद्रों से निकलकर साउथ एशिया की तरफ ट्रेवल करते हैं। सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक से ऊपर होते हुए पाकिस्तान की तरफ आते हैं, फिर पाकिस्तान को क्रॉस करके इंडिया और चाइना के बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं और बारिशों का बाइस बनते हैं। इन बारिशों का जो अरसा होता है वो दिसंबर से मार्च तक होता है, जो कि सिर्फ 4 महीने है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आजकल मई और अप्रैल जैसे मौसमों में भी तेज बारिशें हो रही हैं। एक बात तो अभी तक तय हो गई कि ज्यादातर बारिशें मानसून और वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से होती हैं, और ये दोनों ग्लोबल वार्मिंग की वजह नहीं है, यानी कि ये जो बारिशें हो रही थी ये कुदरती थी। लेकिन अब जो अप्रैल मई जैसे महीनों में बारिशें हुई, क्या वो ग्लोबल वार्मिंग है? असल में ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है और ठंडे इलाके खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से गर्म हवाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। तो पहले जो तूफान आते थे वो बिल्कुल छोटे होते थे और उनसे कुछ ज्यादा तबाही नहीं होती थी, लेकिन अब जो उनसे तूफान है उनकी तादाद काफी बढ़ गई है और उनसे जो बारिशें होती हैं उनसे सैलाब जैसी आफात इन ममालिक में आती हैं, और यही वजह है कि अब जो बारिशें होती हैं उनकी वजह से ज्यादा तेजी से सैलाब हो रहा है। यानी कि हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि जो बेमौसमी बारिशें होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह नहीं है और उनसे किसी किस्म का नुकसान भी नहीं है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन बारिशों की तादाद में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से सैलाब जैसी आफात में भी इजाफा हो गया। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्ट तरीके से हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन बारिशें तेज करने की वजह से हमारे इलाकों में सैलाब आता है, जो हमारे इलाकों को नुकसान पहुंचाता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस जैसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।